प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणावयन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पान। नित्य स्तुति बड़े भाव से मेरे साथ में बड़े श्रद्धा से गाइए। जय राम रमा रमनं समनं भवताप भयाकुल पारिजन Yeah.
जय राम रमा पंकज प्रीत नहीं अति दीन मलीन दुखी जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा सेवक होत मुदामुनि त्यागत जोग भरोस सदा जय राम रमा रम नम समनम श्री हरि करी प्रेम निरम पद पंकज सेवत शुद्ध ही पर प्रेम निरंतर हरि प्रेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही सम्मानि निरादर आदर ही सर संत सुखी विचरण राजा राम 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 राजा राम राम राम
बजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम
प्रिय श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। वीर हनुमंत लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीता। जय जय श्री राधे। परम मांगलिक अखिल ब्रह्मांड नायक परव्योमादिनाथ अकारण करुणा के सागर श्री रांगवेंद्र प्रभु का वांग्मय स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस नवदिवसीय इस भक्ति अनुष्ठान के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज, विद्वत वरेण्य आचार्य श्री कृष्णलाल जी श्री, आचार्य व्यास नंदन जी महाराज, पिताश्री और समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, भक्तरणानुरागी प्रेमीजन, मातृशक्ति, हमारे ब्रजवासी बंधु, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के अपनी भावनात्मक दृष्टि का एक चरित्र है। रामकथा कलयुग में कली के कलमशों को मिटाने की भवौषधि है। राम कथा कलि कामद गाई वर्णन किया है। कलयुग में रामायण एक कामधेनु गाय है। रामायण कलि कामद गाई और इस गाय का मंथन करके जिसने जो चाहा उसको प्राप्त हुआ। सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को बछड़ा बनाया और पार्वती जी को बछड़ा बनाकर के इस रामायण रूपी गाय को दुहा तो उनको परम पवित्र ज्ञानामृत की प्राप्ति हुई। शिवजी की जो पीठ है वो ज्ञान की पीठ है, ध्यान देना। भुसुंडी बाबा ने भी इस गाय का दोहन किया। काग भुसुंड जी महाराज ने खगपति गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर के इस गाय का दोहन किया और उन्होंने प्रेमामृत को प्राप्त किया। आदरणीय काकभूषण जी की जो पीठ है, रामायण की पीठ, वो भक्ति की पीठ है। याज्ञवल्क मुनि ने भी इस गाय का दोहन किया, गाय को दुहा और उन्होंने भरद्वाज मुनि को बछड़ा बनाकर के इसका दोहन किया और उनको कर्मामृत की प्राप्ति हुई। वो कर्म का घाट है, वो कर्म की पीठ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब इस रामायण रूपी गाय का दोहन किया, उन्होंने बछड़ा अपने मन को ही बनाया। बोलो जय श्री राम।